video session of your class 5th ENB chapter number 1, which is super senses. In previous lecture we have studied about sleeping and waking time or waking hour of some animals like lizard, cow, python and all, and we have seen some description related to the sloth. हमने स्लोथ के बारे में पढ़ा था, स्लोथ क्या है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी चीजें हमने लास्ट के लेक्चर में कवर की थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया व्हिच इज टाइगर. आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, टाइगर के बारे में पढ़ेंगे, राइट. टाइगर क्या है, टाइगर के पास कौन कौन सी सेंसेस अवेलेबल है, और जो आज इंडिया जो इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट ने वो एक टाइगर प्रोजेक्ट चला रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे. और हम देखेंगे कि आज टाइगर खतरे में है, जंगल में बहुत ही डेंजर में, ये सारी चीज हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विद द टाइगर. यस, टाइगर के बारे में देखते हैं. सो अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, राइट. आपकी बुक में यहां पे क्या है, टाइगर देख लीजिएगा, आपकी बुक में है टाइगर, ऐसे दिया उसके ऊपर लिखा है सभी उसकी सेंसेस. सो पहली सेंसेस क्या है टाइगर की, द टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. जो टाइगर है वो क्या है, आपका जो टाइगर है वो 6 टाइम बेटर देख सकता है रात में. जब हम रात में कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं तो उससे 6 टाइम्स मोर क्या करता है टाइगर, हमारे से 6 टाइम्स ज्यादा उस नाइट में उसे दिखाई देता है. तो ये जो टाइगर की पहली सेंस होगी, राइट, कि टाइगर कैन सी 6 टाइम्स मोर देन अस, हमारे से ज्यादा देख सकता है नाइट में, राइट. देन नेक्स्ट वन इज द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर. जो टाइगर के विस्कर्स, विस्कर्स मींस आप उसके बोले मूंछों के बाल होते हैं टाइगर के, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइट वाइट उसके यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ उसके विस्कर्स बोलते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ वाइट वाइट जो है उसका मूंछों के बाल, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कर्स. तो टाइगर्स के विस्कर्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो हवा में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, वाइब्रेशन होता है एयर में, वो तुरंत ही वो सेंस कर लेते हैं. वो जो टाइगर के मूंछों में से बाल रहते हैं वो तुरंत ही कुछ हवा में मूवमेंट होती है तो उसको तुरंत ही वो क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है. देन दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड हिज प्रे. तो उसकी जो ये सेंस है, उसकी जो सेंसेस ऑफ विस्कर्स बोलते हो, जो उसके मूंछों के बाल की जो सेंसेस है विस्कर्स की, उसको हेल्प क्या करते हैं कि जो टाइगर जब भी शिकार करने जाता है, प्रेम इसके उसका शिकार, उसका एनिमी, जब भी टाइगर अपने शिकार की ओर बढ़ता है और जब डार्क में बढ़ता है तो डार्क में उसके जो ये सेंसेस है, विस्कर्स है, वो बहुत ही हेल्प करते हैं उसके एनिमी को ढूंढने के लिए. जब वो डार्क या फिर अंधेरे में से जाता है तो उसके विस्कर्स है वो उसके एनिमी को ढूंढने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, राइट. तो टाइगर्स विस्कर्स आर सो सेंसिटिव, उसके जो विस्कर्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और क्या करते हैं कि टाइगर को हेल्प करते हैं किस में, कि उसके जो शिकार है, प्रे है उसका, उसको ढूंढने के लिए. देन अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. यस, टाइगर की जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो भी बहुत ही शार्प होती है, राइट. वो तुरंत ही किसी चीज को ऐसे सुन सकता है, उसके पास सेंस ऑफ हियर यानी कितनी पावरफुल है कि वो जो रस्टलिंग ऑफ लीव्स, उसके जो लीव्स ऐसे ऐसे हिलते हैं और जो ग्रास में जो आवाज आती है, जो भी शायद आप अभी जो एनिमल्स से आपने डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखा होगा कि एनिमल्स ऐसे ग्रास में से ऐसे धीरे धीरे छुपके से निकलते हैं तो ग्रास की क्या आती है, उसमें आवाज आती है और जो ग्रास में से जो भी एनिमल्स से निकलता है तो उसको उसकी आवाज सुन के टाइगर को तुरंत पता चल जाता है कि यस, यहाँ पे मेरा कोई एनिमी आने वाला है या फिर आया है. तो टाइगर के पास सेंस ऑफ हियरिंग भी इतनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इजीली क्या करता है, सुन सकता है सारी जो उसके जो एनिमी है, वो जैसे ग्रास पे से चलना शुरू करते हैं टाइगर को तुरंत पता चल जाता है. तो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग भी बहुत ही पावरफुल होती है. नाउ द ears of the tiger can move in different direction and this helps to get the sound from all around. So animals, जो sorry tiger है, उसके जो ears हैं,
वो सारी की सारी डायरेक्शन में सुन सकते हैं, इधर भी सुन सकते हैं, उधर भी सुन सकते हैं, सभी ऑल ओवर द सभी सभी दिशाओं में उसके ईयर्स है, वो सारे के सारे आवाज सुन सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि टाइगर्स अपने जो एनिमल्स है उसको इजीली उसके साउंड इजीली पहचान लेता है, बिकॉज टाइगर के पास सेंस ऑफ हियरिंग भी इतनी मजबूत है कि वो चारों ओर से सुन सकता है, और जैसे ही उसको आवाज आता है वो क्या करता है, एनिमल का शिकार कर लेता है। जो भी एनिमल्स हवा में आता है उसकी आवाज सुन के टाइगर उसे तुरंत ही पहचान लेता है। तो वो क्या करता है, उसको कुछ एनिमल्स को ऐसे पकड़ना, उसका शिकार करना हो तो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग से वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि यस यहाँ पे जो है वो कुछ एनिमी आने वाला है या फिर एनिमी आया है। नाउ नेक्स्ट, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और कॉल आउट टू अ टाइगर्स, इट कैन आल्सो रोर और स्नैप। अभी टाइगर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट आवाजें भी निकालता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकालता है, राइट। सपोज उसको टाइगर्स को बुलाना तो कुछ डिफरेंट तरीके से बुलाता है, और उसको जब भी वो एंग्री होता है तब भी वो कुछ डिफरेंट तरीके से रोर करता है, ऐसे कुछ करता है, राइट। जो टाइगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, जैसी जैसी सिचुएशन होती है ऐसे ऐसे टाइगर के पास उसकी सेंसेस भी होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकाल सकता है, ऐसे कुछ कुछ करके, राइट। सो टाइगर को जब उसकी टाइगर्स या फिर जो फीमेल टाइगर है उसको उसको बुलाना हो या फिर उससे जब एंग्री होता है तब उसको कुछ आवाजें निकालनी हो तो टाइगर के पास ऐसी सेंसेस रहती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट आवाजें निकालता है, उसके हेल्प से वो अपना जो काम है वो निकल जाता है, राइट। एंड इट कैन आल्सो रोर और स्नैप, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। अभी जो उसकी रोर करने की आवाज है, राइट, जैसे मैंने बताया ऐसे कर रहा है, तो वो जो रोर करता है उसकी जो आवाज है वो 3 किलोमीटर तक हमको सुनाई देती है। टाइगर्स की जो रोरिंग की आवाज है जब वो रोर करता है तो हम 3 किलोमीटर तक जंगल में उसकी आवाज सुनाई देती है, तो उतनी पावरफुल उतनी उसकी रोरिंग है, राइट। वो ऐसे गर्राता है या फिर आप बोले वो ऐसे जब गुस्सा होता है तो इतना ज्यादा रोर करते हैं कि 3 किलोमीटर तक हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। Next, each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. सभी टाइगर के पास अपने अपने इलाके रहते हैं, राइट। कुछ टाइगर ऐसे होते हैं तो गिर में हम बात करें तो उतना इलाका उस टाइगर का ही रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी टाइगर्स हैं वो अपना अपना इलाका खुद मार्क कर लेते हैं। और कैसे मार्क करते हैं कि टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, टाइगर अपने यूरिन के हेल्प से यूरिन का इस्तेमाल करके वो अपने एरियाज को ऐसे मार्क आउट करता है और ऐसे निशाना लगाता है कि यस ये जो एरिया है वो मेरा है विद द हेल्प ऑफ इट्स यूरिन। उसके यूरिन की हेल्प से वो सारी चीजों को मार्क करता है, अपने एरिया को ऐसे मार्क करता है। देन अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इज इट इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द टाइगर्स एरिया। अभी जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या करता है, यूरिन की हेल्प से वो अपना इलाका मार्क करता है, तो जब भी कोई दूसरा टाइगर आता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि यस यहाँ पे कोई दूसरा टाइगर आया है। कैसे पता चलता है कि स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। जो टाइगर होते हैं वो अपने जो इलाके में जितने टाइगर है उतनी उसके यूरिन की स्मेल वो पहचान है, बट जब भी कोई दूसरे इलाके का टाइगर उसके एरिया में आता है तो उसकी जो यूरिन की स्मेल है दूसरे टाइगर की, उस यूरिन की स्मेल से टाइगर तुरंत पहचान लेता है यस यहाँ कोई दूसरा टाइगर आया है। विद द हेल्प ऑफ इट्स यूरिन स्मेल टाइगर पहचान लेता है कि कोई दूसरा टाइगर आया है। और ज्यादातर टाइगर जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं दूसरे इलाके में जाने के लिए, उसके जो दूसरे एरिया है वहां पे जाने के बहुत ही अवॉइड करते हैं। टाइगर अक्सर अपने इलाके में ही रहना पसंद करते हैं, दूसरे टाइगर्स के इलाके में बहुत ही कम जाते हैं। नाउ टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। टाइगर जो होते हैं वो बहुत ही आप क्या बोलते हैं बहुत ही अलर्ट एनिमल्स है, राइट। उसकी हमने सेंसेस देखी, सेंसेस ऑफ हियरिंग,
senses of vision, senses of sound, ये देखे तो उसके पास जो कई सारी ऐसी qualities है जो दूसरे animals के पास नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको national animal of India, right? तो वो बहुत ही अलर्ट एनिमल्स है, उसको तुरंत पता चल जाता है कोई इधर से आया एनिमी उधर से आया, उसको तुरंत पता चल जाता है, वो बहुत ही अलर्ट एनिमल्स है। बट राइट नाउ टाइगर आर इन डेंजर, टाइगर जो है वो अभी खतरे में है। अभी क्यों खतरे में है हम देखते हैं। लेट्स सी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू द टाइगर इन द जंगल? आपको क्या लगता है टाइगर को जंगल में कौन कौन सा खतरा रहता है? तो बहुत ही फर्स्ट जो खतरा रहता है वो क्या है कि जो हंटिंग करने आते हैं, जो पीपल अपने शौक के लिए क्या करते हैं, जो दूसरे जो एनिमल्स है उसको मार देते हैं, तो टाइगर को पहले तो हंटिंग का जो डेंजर है वो रहता है। फिर डेजर्ट में कई बार हमने देखा है कई बार ऐसे आग लग जाती है, या फिर कई बार ऐसे लायन का भी उसको खतरा रहता है। टाइगर बेसिकली जो लायंस हैं लायन के भी खतरे में है, लायन टाइगर को इजीली खा सकता है, सो लायन का भी उसको खतरा रहता है। जंगल में ऐसे ऐसे कुछ उसको खतरे रहते हैं। कैन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स एंड हाउ? क्या ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो भी एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैसे? सो लेट्स सी एंड लेट्स फाइंड आउट। डू यू नो दैट मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आपको पता है कि इंडिया में और कई जगह ऐसे कई सारे एनिमल्स को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है? किसके लिए? कि अपने जो उसके एनिमल्स के पार्ट्स हैं उसको बेचने के लिए उसको क्या करते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट्स जो होते हैं उसको अपनी टस्क जो उसके दांत होते हैं हम एलिफेंट्स को दांत के हिसाब से मार देते हैं। फिर राइनोस राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स क्रोकोडाइल स्नेक्स फॉर द स्किन, राइनोसोर फॉर उसकी हॉर्न स्किन होते हैं उसके लिए मार देते हैं। फिर जो टाइगर क्रोकोडाइल स्नेक है उसकी स्किन के लिए हम उसे मार देते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। फिर जो आपका डियर होता है जो हिरन बोलते हैं उसको, तो हिरन को क्या करते हैं, हिरन को भी हम उसकी जो जो बेली बटन होता है, जो आपका हिरन आता है डियर का जो बेली बटन होता है वो उसमें से हम क्या निकालते हैं, मस्क निकालते हैं। मस्क में से एक टाइप का सेंट आता है, तो हम उसको सिर्फ सेंट के लिए उस मस्क डियर को मार देते हैं। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर और पोचर्स। सो जो भी ऐसे पीपल्स होते हैं कि क्या करते हैं वो अपने फायदे के लिए और एनिमल्स की स्किन और एनिमल्स के जो सींग होते हैं और हॉर्न होते हैं या फिर एनिमल्स के टीथ, ऐसे एनिमल्स में से उसको अपने फायदे के लिए एनिमल्स को जो मार देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हंटर्स बोलते हैं या फिर पोचर्स बोलते हैं, राइट? पोचर्स बोलते हैं। सो जो लेट मी ब्रीफ यू टेल अबाउट द दिस टाइगर्स एंड सेव टाइगर प्रोजेक्ट, राइट? जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एनिमल्स है वो बहुत ही खतरे में है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हंटर्स और पोचर्स होते हैं, पोचर्स मींस क्या कि एनिमल्स के एनिमल्स को मार देते हैं अपने फायदे के लिए। हम ह्यूमन क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए इस मासूम जानवरों को मार देते हैं, लाइक उसके सिंग निकालते हैं हम, फिर उसके टीथ निकालते हैं, उसके बेच को हम बेच देते हैं, फिर हम टाइगर्स जो स्नेक है उसको उसकी स्किन के लिए मार देते हैं, फिर उसकी स्किन का हम अपना कुछ फैशन के लिए वगैरह हम उसका यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? हमको क्या करना चाहिए कि एनिमल्स को सेव करना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ द टाइगर्स नंबर ऑफ टाइगर्स आर रिड्यूसिंग, राइट? जो हमारे इंडिया और पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम टाइगर बचे हुए है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चलाया है, सेव टाइगर नाम का प्रोजेक्ट चला है, बिकॉज टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एवरी डे वो क्या ट्राई करती है कि सेव टाइगर, वो सेव टाइगर का प्रोजेक्ट लेके आई है कि जो टाइगर है हमारा इंडिया में हम उसे क्या करें, सेव करें, हम ऐसे शिकारी की तरह उसको मार न दें या फिर उसके हम उसमें से कुछ फायदा हम हमारे ह्यूमन के फायदे के लिए हम अपने प्रॉफिट के लिए उस मासूम से एनिमल को हम किल ना करें, राइट? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बेसिकली इसी एजेंडा पे काम करती है कि सेव टाइगर और सेव एनिमल्स, राइट? तो
आपको उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहिए कि जो एनिमल्स होते हैं उसको हमें सेव करना चाहिए, राइट। और बेसिकली हमको अपने जो एनवायरमेंट है उसको भी बचाना, तो हमें जो एनिमल्स है उसको सेव करना चाहिए कि हमें उसे हंट ना करना चाहिए और हमें उसे मारना भी ना चाहिए, राइट। हम अपने फायदे के लिए, मोनसून के लिए उसे मारना नहीं चाहिए, राइट। सो एंड इंडिया में कई ऐसे नेशनल पार्क भी है, राइट, जैसे कि गिर में है, काजीरंगा में, तो ये कई सारे इंडिया में ऐसे नेशनल पार्क भी लोकेटेड है जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की सेफ्टी के लिए और उसको ध्यान रखने के लिए, राइट। So this is all about the chapter number 1, super senses, in which we have covered some senses of animals and some senses of human. So hope you all understand this chapter very clearly. Sabhi ko maza aaya hoga. Thank you for watching this video. Bye bye everyone. Have a nice day. Haste rahiye, muskurate rahiye aur apne mummy papa ka naam roshan karte rahiye. Bye bye everyone. आभार।